सिंगर अमन कुमार, इसको वोकल कॉर्ड का कैंसर था। कहां पर है ये? अब बोल नहीं सकता था, अब क्या हालत है भाई? स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर अमन ही बोल रहे हो? हाँ जी, मैं डॉक्टर अमन कुमार बोल रहा हूँ। किस चीज में डॉक्टरी की है तुमने? मैं प्रोफेसर हूँ जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी भाई। पीएचडी है मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी। तो मुझे 2015 में कैंसर हुआ था गले का, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर? हाँ जी। अब 2021 में दो गांठें दोबारा बन गई गले में। दोबारा आ गई, अब रिकरेंस होता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। हाँ जी जी। और आज के 1.5-2 महीने पहले मेरी आवाज ऐसा ऐसा बंद होने लगी। हाँ। डॉक्टर्स कहने लगे आपको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, वोकल कॉर्ड आपके पैरालिसिस के कारण खत्म हो रही है, आप बोल नहीं पाओगे। फिर मैं स्वामी जी आपके चरणों में आ गए, हमारे विकास नगर के प्रेम जी उन्होंने आपके पास भेजा। डॉक्टर, अच्छा अपना स्वामी प्रेम भी करने जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ के 10 दिन हो गए मुझे। अच्छा, 10 दिन हो गया यहाँ तुम्हें? हाँ जी, आपका आशीर्वाद पहले दिन लिया था। अब क्या हाल है? अभी पहले मेरी बात किसी को समझ नहीं आती थी, अब तो सब समझ पा रहे हैं। अब मुझे ये अब तो ऐसे थोड़ा सा आप स्टाइल से बोले तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमिताभ बच्चन बोल रहा हो। हाँ। आपका आशीर्वाद है जी। अभी थोड़ा सा भारी पन, जिसको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हुआ था वो अच्छा हो रहा है, इससे और ज्यादा क्या होगा? लेकिन करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक ही बात मैं कहता हूँ, करो करो करो। मैं आपका, डॉक्टर अनुराग जी का, डॉक्टर नीरज जी का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों की कृपा से हर आदमी के, हर इंसान के जो रोग ठीक नहीं हो सकते वो भी ठीक हो रहे हैं। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे साथ मेरा भाई शोक जी आपसे प्रणाम करना चाहते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। स्वामी जी, मैंने देखा है कि यहाँ पर आप बीमारी को चारों ओर से घेरते हो। ये बात है। आहार में, प्राणायाम में, भक्ति से, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, चारों तरफ घेरते हो, तो मैं 100% यकीन करता हूँ कि बीमारी कहीं टिक ही नहीं सकती। जिस तरफ से आप घेरते हो सभी को, तो आपकी सभी टीम को प्रणाम। आपके जो थेरापिस्ट हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम भाव से काम करते हैं, तो मैं आपको झुक कर प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। मैं आपके चैनल से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं आज के टाइम पे लक्ष्मण जैसे भाई नहीं है, लेकिन मेरा ये भाई लक्ष्मण है। ऐसा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए। हाँ, नहीं तो आजकल प्रणाम जी जमाने में लोग ना आपस में धोखा बहुत मिल रहा है लोगों को, तो विश्वास टूट रहा है। ऐसे में भरोसा भी कायम रखने वाले भाई बहन है। आशीर्वाद सबको।